करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। नमस्कार, आप इंडिया टाइम न्यूज, इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। कानपुर से ब्यूरो चीफ हरुण जाफरी के साथ सीनियर रिपोर्टर सैजुल कानपुर। आज डी लायर्स एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना हुई, जिसमें संयुक्त मंत्री पुस्तकालय के पद के उम्मीदवार श्री आशीष कुमार शर्मा ने 2173 मत पाकर विजय हासिल की। श्रीकांत को 1229 वोट पाकर ही संतोष करना पड़ा। प्रशासन पद के उम्मीदवार श्री राम जी को विजय प्राप्त हुई। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन विजय आचार्य ने हमारे संवाददाता हरुण जाफरी से सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि अध्यक्ष पद के चुनाव की मतगणना का परिणाम जो कल घोषित किया हुआ था, उसकी आज पुनः मतगणना के लिए दोनों प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया है। विजय नारायण सिंह से चुनाव अधिकारी इस वक्त कौन सा प्रत्याशी निकल चुके हैं, किस पर आज जो है वो प्रशासन एक पद हमारे यहाँ है, उसके प्रत्याशी निर्वाचित हो सकते आशीष कुमार शर्मा विजयी हुए, दूसरे की काउंटिंग चल रही है। क्या दूसरे पद की, किस पद की? प्रशासन की चल रही है रोल, संयुक्त मंत्री प्रशासन की चल रही है। हाँ, और इसके बाद जो भी परिणाम मिलेंगे वो कब आज घोषित होंगे? जिसकी चल रही है उसका तो आज ही घोषित होगा, एक अगर समय बचेगा तो एक पद के और होंगे। इस बार जो चुनाव कराया गया है इसमें आप लोगों का बोल रहा है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी या कोई नहीं? मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरी निष्पक्षता का कड़ाई से पालन किया गया है और अब भी हो रहा है। निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष परिणाम आए। मैं विजय आचार्य एडवोकेट एल्डर्स कमेटी दिलायर्स एसोसिएशन कानपुर का ऑफिशिएटिंग चेयरमैन हूँ और इस पूरी चुनाव की व्यवस्था का चुनाव अधिकारी के साथ देख रेख कर रहा हूँ। हमारे चुनाव प्रक्रिया में हमने शुरू से ये ध्यान रखा कि हमारे किसी प्रत्याशी को हमसे कोई शिकायत ना हो और मतदाता जो यहाँ पर आए वो निर्भय निष्पक्ष करके अपना मतदान कर सके, इसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की। फिर भी 11 तारीख को थोड़ा सा एक कारण ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से हमको चुनाव निरस्त करना पड़ा, परंतु पुनः हमने ज़्यादा टाइम ना लेके 16 तारीख को पुनः मतदान कराया और वो दिन मतदान जो है पूरे शांतिपूर्वक संपन्न हो गया और 3624 लोगों ने 5000 वोटर्स के अंदर से करीब 3624 लोगों ने यहाँ पर मतदान किया। अब उसकी काउंटिंग हम लोगों ने 18 कल से 17 तारीख को शुरू की। कल महामंत्री पद का हम लोगों ने निर्वाचन का परिणाम जो था वो घोषित कर दिया। वीर बहादुर सिंह जी हमारे महामंत्री के रूप में निर्वाचित हुए। अध्यक्ष के रूप में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम यह आ गई, एक प्रत्याशी ने उसको चैलेंज करते हुए पुनः उसकी गणना के लिए एक अप्लीकेशन उन्होंने दी है, जिसका अभी हम लोग थोड़ी देर बाद विचार करेंगे क्या किया जाए। बाकी आज जो 3-4 पद और खाली थे उन पदों की गणना हमने सवेरे से प्रारंभ की। सबसे पहले संयुक्त मंत्री पुस्तकालय, इसका हमने जो है यहाँ पर निर्वाचन कराया, निर्वाचन की गणना कराई। उस गणना में आशीष कुमार शर्मा ये निर्वाचित हुए और श्रीकांत इसके अंदर पराजित हुए। इसी तरह दूसरा जो है अब हम से ये करा आज संयुक्त मंत्री प्रशासन की गणना करा रहे हैं और इसका परिणाम थोड़ी देर में आएगा, वो भी घोषित किया जाएगा। इसके बाद एक तीसरा पद और एक बाकी है संयुक्त मंत्री का, उसकी गणना भी आज हम समाप्त करा देंगे और हमारी जो है अभी कांडे की जो चुनाव के जो गणना होनी है उसकी भी हमने नीचे कोशिश कराई थी पर हम अभी सफल नहीं हो सके। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हम जल्दी से जल्दी करा दें। हमारा प्रयास ये है कि होली के पहले हम सारे परिणाम घोषित कर दें ताकि अच्छी तरीके से चुनाव को कराएँ।